हेलो स्मार्ट यूजर्स, एश हियर। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि MIUI 12 का नोटिफिकेशन पैनल आप किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे वो ऐप गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पे आ चुकी है कुछ बग फिक्सेस और बहुत ही बेहतरीन फीचर के साथ में। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन से फीचर है जो इस ऐप को एक बहुत ही ऑसम ऐप बना देते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लगभग 5 महीने पहले मैंने यह चैनल स्टार्ट किया था और अब इस चैनल पे वॉच टाइम का थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो चुका है। 4000 घंटे मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आपकी तरफ से सब्सक्राइब मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर मेरी वीडियोज आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाया करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक कम्युनिटी बनानी है स्मार्ट यूजर्स की, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसे यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब के बिना यहाँ पे काम नहीं चलेगा। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो ये बेल आइकन को दबाइए। सो होप अब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गिव इट अ शॉट। स्मार्ट यूजर्स, ऐप ओपन करने के बाद सबसे पहला फीचर जो आप नोट करेंगे वो है नोटिफिकेशन और कंट्रोल सेंटर को एक्सेस करने का एरिया। अब आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कितने एरिया से स्वाइप डाउन करने पे आपको नोटिफिकेशन एक्सेस करनी है और कितने एरिया से स्वाइप डाउन करने से आपको कंट्रोल सेंटर एक्सेस करना है। तो ये काफी जरूरी फीचर है जो डेवलपर ने यहाँ पे एड कर दिया है। पहले ही की तरह बहुत MIUI 11 एंड MIUI 12 का स्टाइल यहाँ पे अवेलेबल है, तो जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं आप। तो ये भी एक अच्छी चीज है। अब जिस फीचर की मैं बात करूँगा मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग है, वो है डायनामिक कलर नोटिफिकेशंस। तो डेवलपर ने ये फीचर भी यहाँ पे ऐड कर दिया है, और इसको अप्लाई करने के बाद नोटिफिकेशन का जो UI है वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पे काफी मॉडर्न सा इसका UI लगता है, काफी मॉडर्न सी लगती है नोटिफिकेशन देखने में। आप देख लीजिए कैसी लगती है नोटिफिकेशंस इस फीचर को इनेबल करने के बाद से। स्मार्ट यूजर्स, पिछली वीडियो में काफी कंप्लेंट आई थी लोगों की यहाँ पे डेटा यूसेज नहीं दिखा रहा है, तो डेवलपर ने यहाँ पे डेटा यूसेज का ऑप्शन ऐड कर दिया है। और जो इम्प्लीमेंटेशन है डेटा यूसेज को शो करने की वो बहुत ही कमाल की है। यहाँ पे डेटा यूसेज को देखने की इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन मैंने यहाँ पे पहले किसी भी UI में नहीं देखी है, और यहाँ पे ये काफी अच्छा लुक दे रही है नोटिफिकेशन पैनल में या कंट्रोल सेंटर में आप कह सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि और मैन्युफैक्चरर्स भी कुछ इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन करें अपनी स्किन्स में। और अब मैं आपको काफी यूजफुल फीचर दिखा रहा हूँ जो है एज ट्रिगर। आप इसे इनेबल कर दीजिए और स्क्रीन की कोई भी साइड चूज कर लीजिए, लेफ्ट या राइट, और स्क्रीन की जो भी साइड आप चूज करेंगे वहां से स्वाइप करने पे आप नोटिफिकेशन एक्सेस कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने राइट चूज किया है, अब जब भी मैं यहाँ पे राइट से स्वाइप करूंगा तो नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जैसे आप देख रहे होंगे कैसे ओपन हो रही है। तो काफी यूजफुल फीचर है इतने बड़े बड़े फोन्स के लिए ये। और UI एलिमेंट्स में ये ऐप सरप्राइज देने में मुझे पीछे नहीं हट रही है। और एक और UI एलिमेंट जो मुझे यहाँ पे काफी अच्छा लगा इस ऐप का वो है हेड्स अप नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हेड्स अप नोटिफिकेशन का UI कैसा है। ये मुझे रिमाइंड कराता है विंडोज फोन का, जो बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लगता था मुझे। आप मेरी इस बात से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा ओपिनियन था। मुझे विंडोज फोन यहाँ पे काफी अच्छे लगते थे, और नोटिफिकेशन का जो UI है यहाँ पे हेड्स अप नोटिफिकेशन या नॉर्मल नोटिफिकेशन वो मुझे उसी का रिमाइंड करा रहा है। तो ये काफी अच्छी चीज है। तो स्मार्ट यूजर्स, यहाँ पे मैं सारे फीचर्स तो एक्सप्लोर नहीं कर सकता, बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन जो मुझे सबसे मेन फीचर्स लगे इस ऐप के और जो अच्छे फीचर लगे वो मैंने आपको बता दिए। बाकी डाउनलोड करके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन कौन से फीचर्स इसमें अवेलेबल है, और आपको जो फीचर अच्छा लगता है वो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात नहीं करी, लेकिन वो काफी अच्छा फीचर है। अगर आप ऐसा कोई फीचर ढूंढते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए। तो स्मार्ट यूजर्स, बस ये था आज की वीडियो के लिए। और वीडियो के बारे में आपके जो भी सजेशन है वो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। जो चीज़ आपको अच्छी लगी या बुरी लगी सब मुझे कमेंट्स में बताइए, तो मैं उस हिसाब से अपने वीडियोस को इम्प्रूव करूँगा यहाँ पे। तो साइन ऑफ करते हैं आज की वीडियो को। बी स्मार्ट, स्टे स्मार्ट।